तो क्या सना सुल्तान और वड़ा पाव वाली गर्ल के बीच में हो गई ये बहुत ही खतरनाक वाली फाइट। जब दोस्तों बात करें बिग बॉस OTT 3 की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि चंद्रिका दीक्षित यानी कि वड़ा पाव वाली गर्ल ने बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगा दिया सना सुल्तान के ऊपर कि सना सुल्तान ने शिवानी कुमारी को बोल दिया है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है शिवानी कुमारी के बारे में, बोला है कि शिवानी कुमारी जो है वो इस शो में रहने के लायक नहीं है, उसके औकात नहीं है कि वो इस बिग बॉस के शो में रहे। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है चंद्रिका दीक्षित का कि सना सुल्तान ने ऐसा कहा है शिवानी कुमारी के बारे में। पर सना सुल्तान ने अपने ऊपर लगाए गए इस आरोप को सीधा सीधा नकार दिया है। सना सुल्तान ने कहा कि मैं बात कर रही थी तब मैंने ये बोला था कि शिवानी कुमारी जो है वो एक बच्ची है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि शिवानी कुमारी इस शो में रहने के लायक नहीं, उसकी औकात नहीं है। पर वड़ा पाव वाली गर्ल अपनी बात पर टिकी रही और उनका कहना था कि जब आप पावलोमी से यहाँ पर बात कर रहे थे, साथ ही उधर आगे जाकर भी जब आप बात कर रहे थे, तब आपने बोला था कि शिवानी का औकात नहीं है इस शो में रहने का। वही दूसरी तरफ सना सुल्तान का कहना है कि मेरी क्या औकात है कि मैं किसी और पर उंगली उठाऊँ, मेरी खुद की तो औकात है ही नहीं। और फिर सना सुल्तान ने बोला कि अगर पावलोमी के साथ मैंने ये वाला बात किया था तो पावलोमी को बुला और हम अभी पूछ लेते उससे। पर वड़ा पाव वाली गर्ल अपनी बात पर टिकी रही और वो बोली कि इस वीकेंड में देख लेना, बिग बॉस जब फुटेज दिखाएंगे तो वहाँ पर ये वाला क्लिप जरूर दिखाएंगे और तब आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। पर दोस्तों बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक का ऐसा मानना है कि सना सुल्तान यहाँ पर सही है और वड़ा पाव वाली गर्ल जो है वो जानबूझकर उसके बारे में बुरा बोल रही। यहाँ पर पब्लिक का कहना है वड़ा पाव चुगली आंटी है एक नंबर और वो भी झूठी है। वहीं एक बंदे ने लिखा वड़ा पाव चुड़ैल है। साथ ही एक बंदे ने लिखा व्हाई इज सी शाउटिंग, सी कैन आस्क हर एंड क्लियर इट प्रॉपरली, ये चिल्लम चिल्ला क्यों कर रही है, आराम से जाकर पूछ लो और उसे जो भी मैटर उसे सल्टा लो। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या सना सुल्तान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है शिवानी कुमारी को लेकर? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिग बॉस OTT 3 के लाइव अपडेट्स के लिए खबरी मैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।